अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और यह चैप्टर नंबर 16 है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमारी चलने वाली हैं। तो मैं आपसे कहूंगा आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, आपको मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ के और आपको पता चलेगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, बेसिक मीन बुनियादी, यानी बेस क्या है बेसिकली, और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। ये अप्लाइड फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील विद बिहेवियर ऑफ एलिमेंट यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस फॉर वेरियस पर्पस। यानी अप्लाइड फिजिक्स की इलेक्ट्रॉनिक्स वो ब्रांच है जिसमें बिहेवियर ऑफ एलिमेंट यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस और उनका मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल, हम बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अप्लाइड फिजिक्स जो है ये क्या होती है, सबसे पहले हम ये बताएं आपको कि अप्लाइड फिजिक्स होती क्या है। अप्लाइड फिजिक्स जो है नाम से पता लग रहा है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सी डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं। अब उन डिवाइसेस के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, उन डिवाइसेस के अंदर हम कंट्रोल कर रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करना, यानी इलेक्ट्रॉन के बहाव को कंट्रोल करना ही कहलाता है कि ये हमारी जो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें हम क्या करते हैं कि ये अप्लाइड फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना है। अब अप्लाइड फिजिक्स क्या है, मैंने बताया कि इसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस, हम सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर और डायोड के बारे में जानने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास अप्लाइड फिजिक्स है, यानी हमारी डेली लाइफ्स के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं, रेडियो इस्तेमाल हो रहा है, टेलीविजन इस्तेमाल हो रहा है, इन तमाम जो हम चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। और ये सब किसका कमाल है, ये बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है। यानी हमने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया, इलेक्ट्रॉन के बहाव का ये एक कारण है, एक वजह है जिसकी वजह से हम टेलीविजन, रेडियो या हाई फाई साउंड सिस्टम जो है इनको हमने एंटरटेनमेंट का जो जरिया बनाया हमारे लिए, तो इसकी रीजन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। उसके अलावा अगर आप मोबाइल फोन की बात करो तो मोबाइल फोन के जरिए आप अपने घर बैठ के आप एक शहर से दूसरे शहर, बल्कि मैं ऐसे कहूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक का रब्ता आपका होता है मोबाइल फोन के जरिए। और यह टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यानी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे पास है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनके थ्रू सिग्नल आगे ट्रांसफर होता है, तो ये सारा किसकी वजह से है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी हो रहा है और दुकानदार हिसाब किताब लगाता है मिनटों में, बल्कि आप कहें कि दुकानदार को हिसाब किताब करना आसान हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की मदद से, वरना पहले लोग गिनते रहते थे और उस पर बहुत वक्त ज़ाया होता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जो था इसने हमारा काम क्या कर दिया, इसने हमारा काम आसान बना दिया। और इसके अलावा जो ज़मीन के गर्द मुख्तलिफ किस्म के प्लैनेट गर्दिश कर रहे हैं, जो सियारे गर्दिश कर रहे हैं अर्थ के गर्द, वो भी किसकी वजह से हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हमने इस्तेमाल की हुई हैं और जिन मकसद के लिए हमने स्पेस के अंदर डिफरेंट किस्म के
हमने प्लैनेट भेजे हुए हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए सिग्नल को हमारी अर्थ तक भेजते हैं, यानी हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इस पे बेस कर रहा है। इसी तरह से इसका सबसे बड़ा शाहकार, हैरान कुन चीज जो आपके लिए होगी वो है कंप्यूटर। और कंप्यूटर जो है ये हमारी जिंदगियों में एक इनकलाब बरपा कर दिए इसने आके। कंप्यूटर के जरिए हम एक दूसरे को मेल कर सकते हैं, यानी मैसेजेस भेज सकते हो आप, और इसी तरह से कंप्यूटर के जरिए हम बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने कारोबार को चमका रहे हैं। ये किसका कमाल है? इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल है। और वो वक्त दूर नहीं जब कोई भी इंसान जो कंप्यूटर के बारे में इल्म नहीं रखता होगा उसको जहल तसव्वुर किया जाएगा कि अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं आता, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत का हमल है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही लगे होते हैं। कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो उसके अंदर चिप इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो ये सारा किसका कमाल है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल है। यानी हमने इलेक्ट्रॉन को जो फ्लो करवाया, इलेक्ट्रॉन का जो भाव करवाया, उसकी वजह से हुआ। लेकिन इलेक्ट्रॉन का भाव भी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते रहें। तो इनका फ्लो अगर हमारे काबू में होगा, हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा के हम क्या कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ डिवाइसेस जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत कार आमद चीज़ें हैं और इनसे हमें फ़ायदा उठाना भी चाहिए। तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, आपको जो बता रहा था मैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स विच डील विद बिहेवियर ऑफ एलिमेंट यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस फॉर वेरियस पर्पस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमारे पास होती हैं, इनसे हम क्या करते हैं, इनसे हम फायदा भी उठाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैज रेवोल्यूशनाइज्ड फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जैसे मैं पहले बता रहा था, इन्होंने मवासलाती निज़ाम में और टेक्नोलॉजी में एक इनकलाब बरपा कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बीइंग मोर इफेक्टिव, ये बहुत मौसर है हमारे लिए, एंड रिलायबल और काबिल इतमाद भी हैं, हैव रेवोल्यूशनाइज फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन में इसने इनकलाब बरपा कर दिया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो हमने प्लैनेट जो हैं, जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, इनमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमने लगाई होती हैं जिनका रबता जो होता है वो ज़मीन के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए होता है। और ये निज़ाम हमारे लिए, ये सिस्टम जो है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है हमारे साथ, हमें ज़मीनी वसाइल की निशानदेही और मौसम के बारे में भी बताता है, वेदर कंडीशन के बारे में भी हमें टेली कम्युनिकेशन मवासलाती निज़ाम के जरिए पता चलता है, और हमें मुल्कों मुल्क की खबर होती है इसके थ्रू। यानी हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं कि अमेरिका में इस टाइम क्या हो रहा है, जापान में इस टाइम क्या हो रहा है, मलेशिया में इस टाइम क्या हो रहा है। तो ये सारा किसका कमाल है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल है। तो अब हम बात करते हैं कि थर्मानिक एमिशन जो है वो क्या होती है। यानी थर्मानिक एमिशन को डिफाइन तो हम आगे चल के करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कैथोड रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 1850 में क्या करते हैं फिजिस्ट, यानी माहिरीन फिजिक्स जो थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स को सील्ड वैक्यूम ट्यूब में रखा और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है, यानी वैक्यूम ट्यूब में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट किया। उन्होंने जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखिएगा जरा ध्यान से।
इस तरह से दो रॉड जिनको मैं एक को कैथोड का नाम देता हूं और दूसरे को मैं एनोड का नाम देता हूं। अब इनको उन्होंने क्या किया, इनको एक बैटरी के साथ उन्होंने कनेक्ट कर दिया। जब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड था ये नेगेटिव बैटरी की नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट था तो इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसी तरह से एनोड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी जब हमने बैटरी लगा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी को जब वैक्यूम ट्यूब के अंदर जब दो इलेक्ट्रोड्स को रखा था और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को वैक्यूम ट्यूब में से पास किया तो उन्होंने देखा कि यहां से कुछ कैथोड रेज निकल रही थी यानी इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे थे और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को उन्होंने किसका नाम दे दिया, उन्होंने कैथोड रेज का नाम दे दिया। ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलती है इसको उन्होंने कैथोड रेज का नाम दे दिया या इनको हम बाद में फिर इनको इलेक्ट्रॉन का नाम भी दिया गया। तो बेसिकली यहां से इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह क्या है इसको हम आगे चल के वीडियो में आपको बताते हैं। तो कैथोड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली कैथोड जो होती है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ही है। अब जे.जे. थॉमसन क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, जे.जे. थॉमसन 1897 में ऑब्जर्व करते हैं इस चीज का मशाहदा करते हैं दैट डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ही ऑब्जर्व दैट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव पोल एनोड, बाय दिस ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूड दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। अब जे.जे. थॉमसन ने 1897 में एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस चीज को ऑब्जर्व किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखा कि कैथोड रे जो है वो किस तरफ को जा रही थी, पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है। यहां पे हमने दो प्लेट्स का नाम दिया इनको P1 और P2, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास क्या नेगेटिव प्लेट है। अब जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से पास आउट हुई, ये देखें यहां से स्ट्रेट जा रही थी, जब इसके पास से गुजरी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजरी तो फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट जो है उसकी तरफ उनकी डिफ्लेक्शन हुई है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता था, आपको बताया था जब एक साइड पे हाई पोटेंशियल होता है दूसरी साइड पे लो पोटेंशियल होता है तो हाई और लो पोटेंशियल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बनता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ये हाई पोटेंशियल था, ये लो पोटेंशियल है, हाई और लो पोटेंशियल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ था। जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास आउट किया तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो किस तरफ को जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस की तरफ उनकी डिफ्लेक्शन हुई है, जिससे हमें इस चीज का पता चला कि इलेक्ट्रॉन या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है या कैथोड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरफ को उनकी डिफ्लेक्शन हुई है, उनकी पॉजिटिव चार्जिंग की तरफ डिफ्लेक्शन हुई है, जिससे हमें ये कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज जो होती हैं वो बेसिकली क्या है, कैथोड बेसिकली हम कह सकते हैं कि उन पे नेगेटिव चार्ज है यानी वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखा गया इन्हीं कैथोड रेज को, जब मैग्नेटिक फील्ड में से पास आउट किया तो ये नॉर्थ पोल था ये साउथ पोल था तो ये नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर गई, यानी इनकी डिफ्लेक्शन किधर को हुई, नॉर्थ पोल की तरफ हुई, जिससे हमें फिर एक बार से कंफर्म हुआ कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज ही है। यानी कैथोड बेसिकली नेगेटिव चार्जेस ही होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो इसका मतलब कैथोड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों केसेस में उनकी डिफ्लेक्शन हुई है, किसकी तरफ हुई है, यहां पे हमने आपको बताया कि जिस तरह से पॉजिटिव चार्जेस की तरफ यानी हाई पोटेंशियल की तरफ इसकी डिफ्लेक्शन हुई है और इसी तरह यहां पे नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्शन ने हमें इस बात को फाइनल कर दिया कि एक्सपेरिमेंट से जे.जे. थॉमसन ने इस चीज को प्रूव कर दिया कि कैथोड रेज जो होती हैं ये बेसिकली नेगेटिव चार्जेस ही हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इससे हमें पता चल गया था कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब उसके बाद जब ये चीज हमें पता चल गई तो देन हमने क्या किया, हमने
एक जो है वैक्यूम ट्यूब यहां पे रखी हुई है। आप देखें जरा, ये एक वैक्यूम ट्यूब है और यहां पे कैथोड है। अब यहां से कैथोड रेज जो है वो बाहर आ रही है और यहां पे हमने इसके रास्ते में हमने क्या किया, इसके रास्ते में हमने एक मेटल क्रॉस जो है वो रख दिया। जस्ट लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, हम आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं। ये देखिएगा जरा, ये इस टाइप का, ये क्रॉस टाइप का हम लगा के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्रॉस जो है वो लगा होता है, यानी इस तरह से। ये आप समझिएगा कि मेटल क्रॉस को हमने इस तरह से इसके रास्ते में रख दिया। जब इसके रास्ते में रखा तो इससे क्या हुआ, जब इसके रास्ते में हमने रखा तो इससे यह हुआ कि जब एक गैर शफाफ जिस्म या जिसको अपेक, यानी कि हम कहते हैं जिसमें से रोशनी जो है वो गुजर नहीं सकती, कैथोड के मखालफ सिरे पर यानी अपोजिट एंड पर हमें एक शेडो नजर आया। जस्ट लाइक जैसे ये हमें ये शेडो नजर आया, शेडो ऑफ मेटल क्रॉस, जो हमने इस तरह से मेटल क्रॉस रखा था उसका ही हमें शेडो जो है वो यहां पे नजर आया। अब इस शेडो के नजर आने से हमें क्या कंफर्म हुआ, इस शेडो के नजर आने से हमें इस बात की निशानदेही हुई कि कुछ किस्म की रेज ट्यूब में से सीधी गुजरती हैं, यानी कुछ रेज जो है वो कैथोड रेज में से, कैथोड रेज ट्यूब में से स्ट्रेट पास हुई है, जिस वजह से यहां पे इस क्रॉस, मेटल क्रॉस का क्या बना, यहां पे शेडो बन गया, यानी इसका क्या बन गया, यहां पे साया बन गया। अब हम कैथोड रेज के बाद हम बात करते हैं कि थर्मोनिक एमिशन जो है वो बेसिकली होता क्या है। थर्मोनिक एमिशन को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो थर्मोनिक एमिशन है द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन, यानी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना यही कहलाता है थर्मोनिक एमिशन। अब थर्मोनिक एमिशन वर्ड जो है बेसिकली देखें, थर्म, थर्म हम कहते हैं हरारत को, हम हीट को कहते हैं। एमिशन का मतलब होता है कि बाहर निकलना, किसी सिस्टम से किसी चीज का इमर्ज होना, बाहर आना, तो उसको हम एमिशन का नाम देते हैं। अब देखिएगा कि अगर हमारे पास एक एटम है तो इसका सेंट्रल पार्ट डेफिनेटली आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, और इसकी साइडों पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिट में क्या कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। अब न्यूक्लियस में कौन सी चीजें होती हैं, हम जरा यहां पे बना के भी आपको दिखा देते हैं कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इर्द गिर्द क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब शेल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो हम यहां पे कंसीडर ये कर लेते हैं कि अगर पहले शेल के अंदर हमारे पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में आठ है, और जो इसका तीसरा शेल है उसमें मैं कह देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब इस एटम को हमने क्या किया, एटम को हमने हीट अप किया, यानी इसको हीट दी। जब इसको हीट दी तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हमने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किया। जब हमने इसको एनर्जी दी तो इस वजह से क्या हुआ, अब देखें इलेक्ट्रॉन की जो कशिश की फोर्स है, यानी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो है, वो जो इलेक्ट्रॉन इसके करीब होंगे उन पे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाता है वैसे वैसे उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो एक पकड़ होती है वो कमजोर होती जाती है। अब क्या होगा कि जो हमारे यहां पे शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन है उस पे इस न्यूक्लियस की जो एक पकड़ आप कह लें वो कमजोर थी। जब हम इसको हीट अप किया तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वहां से इमिट हो गया, इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हुआ, निकल गया। अब मेटल के अंदर क्या होते हैं, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि कंडक्टर्स या मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है वो करंट आसानी के साथ पास आउट हो सकता है। इसकी वजह भी आज आपको पता चल जाएगी, क्योंकि देखें अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, मैं इस तरह से बना देता हूं यहां पे, ये हमारे पास है जी एक कंडक्टर। अब कंडक्टर के अंदर जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है और फिर यहां पे क्या है जी एटम है, इस तरह से, ये इस तरह से। अब क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन, अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन निकले, जब इसको हमने क्या किया, इसको हीट अप किया, यानी हम कंडक्टर में से करंट पास करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम कहते हैं उनमें से आसानी से गुजर जाती है। जब इसको हीट दी, इसको एनर्जी दी है, तो एनर्जी देने की वजह से क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। अब उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी,
मोशन स्टार्ट होगी। जब इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू कर दिया तो उनको हम अपने कारामद मकासद के लिए, पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम कंट्रोल कर लें, उनका एक भाव एक कंट्रोल में हमारे होगा तो वो हमारे लिए सही रहेगा। कंट्रोल का वर्ड मैं यहां पे क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये समझिएगा, ये मेरे पास एक डिवाइस है, अब इसको करंट चाहिए 3 एम्पेयर का, मैंने इसको दे दिया 10 एम्पेयर का, तो क्या होगा, ये डिवाइस डैमेज हो जाएगी। जस्ट लाइक आपके पास एक बैलून अगर है, अब बैलून के अंदर हवा भर रहे हो, या साइकिल का पहिया होता है, मोटर बाइक का पहिया है, गाड़ी का पहिया है, उसके अंदर आपने ट्यूब के अंदर हवा भर रहे हो, जब आपने हवा उसके अंदर फिलिंग करनी स्टार्ट की है तो इनिशियली आप कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आप टायर फट ना जाए, यानी ट्यूब फट ना जाए, तो आप अगर उससे मजीद आगे आप उसके अंदर एयर फिल करते जाओगे तो ट्यूब क्या करती है, फट जाती है। यानी हर चीज की एक एबिलिटी होती है आपके अंदर, आप अपने अंदर किसी चीज को रखने की। इसी तरह से जब हम कहते हैं किसी डिवाइस में से करंट पास हो रहा है तो इस डिवाइस की कुछ एबिलिटी होगी कि कितना करंट इसमें से पास आउट हो सकता है। अगर हम उससे ज्यादा करंट देते हैं तो क्या होती है, डिवाइस डैमेज हो जाती है, डिवाइस आपकी खराब हो जाती है। यहां पे मेटल या कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हमने बहाव करवाना है एक कंट्रोल वे में, अगर हमने करवाने में कामयाब हो गए तो समझे हमने क्या बना लिया, हमने करंट बना लिया है, हमने डिवाइस बना लिया है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट का नाम भी देते हैं, और करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, यानी यूनिट सेकंड में जितने चार्ज फ्लो करते हैं किसी यूनिट एरिया में से वही करंट होता था। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कर लिया, कंट्रोल वे में कर लिया, तो हमने वो डिवाइसेस बना ली हैं, मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेडियो, जितनी भी चीजें हैं सारी, तो क्योंकि हमने उनके अंदर क्या किया, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ही हमने फ्लो करवाया। अब इसी तरह से मैं बात ये कर रहा था कि कंडक्टर के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए इनमें से हीट भी आसानी के साथ पास हो जाती है, इसमें करंट भी पास हो जाता है, इसमें आप कह लो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी आसानी के साथ पास आउट हो सकती है। अब यही चीज हम थर्मोनिक एमिशन में बात करें जिसको थर्मियोन्स का नाम भी देते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको थर्मियोन्स भी कहते रहे हैं, बाद में इनको फिर इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी दिया गया, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हॉट मेटल सर्फस, यानी किसी मेटल सर्फस को आपने हीट अप करना है, हॉट मेटल सर्फस का वर्ड हमने यहां पर इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मेटल है, नॉर्मल टेम्परेचर पर पड़ी हुई है, इसमें से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहे, क्यों, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहां से बाहर जा सके, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दें, उसको हीट अप करना शुरू कर दें मेटल को, तो हीट अप करने से इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी, वो इस मेटल सरफेस में से क्या करना शुरू हो जाएंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जब मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू होगी, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, जिसको हमने थर्मोनिक एमिशन का नाम दिया हुआ है। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता, इंसुलेटर के केस में हम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर न्यूक्लियस की पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां से निकल नहीं पाते। लेकिन अगर हम मेटल की बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए वो आसानी के साथ क्या करते हैं, वहां से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी चीज को हम नाम देख रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हॉट मेटल सर्फस इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन, कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है या थर्मियोन्स जो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मेटल सर्फस से बाहर निकलना, यही प्रोसेस कहलाता है थर्मोनिक एमिशन। उसके बाद थर्मोनिक एमिशन जो है इसको यूली प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिकली हीटिंग टंगस्टन फिलामेंट हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट बल्ब्स के अंदर इस्तेमाल होता रहा है, आपको पता है इस तरह से होता है कुछ। अब इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली हीट अप करते हैं, यानी इसको बिजली देते हैं। अब यहां पे क्या है, इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, ये समझे स्प्रिंग जैसे है, स्प्रिंग ही है। अब इसको यहां पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, तो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, तो इस वजह से यहां पर क्या होना शुरू हो जाएगी, हीट होना शुरू हो जाएगी, हीटिंग अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। यहां पे क्या होना शुरू हो जाएगा, हीटिंग अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जब यहां पे हीटिंग अफेक्ट होगा तो इसका मतलब यहां पे जब हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी है, हमने बिजली इसको दी है, रेजिस्टेंस है, तो यहां पे हीटिंग अफेक्ट होना शुरू हो गया, यहां से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टंगस्टन फिलामेंट में से बाहर निकलने लग जाते हैं, जिस वजह से आपका बल्ब जो होता है वो रोशन हो जाता है। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हॉट मेटल सर्फस इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। ये बात यहां पे आपको आई थिंक अंडरस्टैंड आप कर गए होगे
कि जब रेजिस्टेंस होती है तो रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिकली हमने इसको किया है, टंगस्टन फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हमने हीटअप किया, हीटअप करने से यहाँ से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है और हमें जो है वो लाइट जो है रोशनी जो है वह हमें मिलती जा रही है। अब अगर देखा जाए तो टिपिकली वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट यूज फॉर दिस पर्पस, अब इस पर्पस के लिए हमने जो एक खास वैल्यू जो है वो बहुत ही कम पोटेंशियल, यानी 6 वोल्ट का अगर आपके पास पोटेंशियल है और 0.3 एम्पीयर का अगर करंट है तो थर्मोनिक कमीशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी थर्मोनिक कमीशन जो है वो 6 वोल्ट का पोटेंशियल और आपके पास 0.3 एम्पीयर का अगर करंट हो आप मेटल को दो तो मेटल में से क्या करना शुरू हो जाते हैं, मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं तो इसी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉन गन का नाम देने शुरू हो जाते हैं, इन्हें ये फिर हम कहते हैं कि हमारी क्या है, ये हमारी एक इलेक्ट्रॉन गन है जो कि आपको पता है कि पिक्चर ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होती है, टीवी के अंदर इस्तेमाल होती है, आपके कंप्यूटर की जो एलईडी है जो है उनके अंदर जो है यानी पिक्चर ट्यूब जो है वो इस्तेमाल हो रही होती हैं, क्योंकि टीवी के अंदर आपने अक्सर देखा आपके पास टीवी होंगे तो उनके अंदर एक पिक्चर ट्यूब होती है, सीआरओ जो होती है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी बेसिकली हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उन सब में अब यही टेक्नोलॉजी चल रही है, यानी सेमीकंडक्टर्स हैं, डायोड है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिकली हमारी थर्मोनिक एमिशन यानी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना ही थर्मोनिक एमिशन का प्रोसेस कहलाता है। तो आई थिंक आपने आज अंडरस्टैंड किया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी जिंदगियों में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी उनमें हम मजीद इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से आपको बहुत सी अहम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसका आपको इल्म नहीं होगा, आई थिंक कि आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारी जिंदगियों में कितना अहम रोल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।